हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज गाइज अपना व्लॉग नहीं है, आज है भाई अपना अर्निंग वाला वीडियो। सो काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई क्या बचत आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कितना क्या खर्चा है, क्या बचत है, तो उसी के बारे में आज का भाई वीडियो है अपना। सो आज लेके आया हूँ मैं अपने एक चक्कर की दिल्ली से और बड़वानी एमपी का जो खर्चा है, कितनी बचत है, क्या डीजल खा रही है, क्या टोल लग रहा है, जो भी खर्चे वाली वीडियो है वो है आज। तो जो भाई नए चैनल पे, पहले तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर मारो यार और वीडियो को लाइक शेयर कर दो दबा के। तो भाई करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट और बने रहना पूरे वीडियो में और लास्ट तक देखना, और भाई कमेंट करके बता देना कि जो बचत हो रही है वो सही है या नहीं है। तो सो भाई आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अपनी गाड़ी चलती है दिल्ली से और बड़वानी, बड़वानी एमपी खलघाट, खलघाट से 60 किलोमीटर साइड में बड़वानी। तो ये अपना पड़ता है भाई तकरीबन 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर का सफ़र है अपना। 1100 वन साइड पड़ता है, 1100 और 1100 आने में वन साइड 2200 किलोमीटर है टोटल। सो मैंने भाई पूरा खर्चा अपना लिख के रखा हुआ है, ये सब आप लोगों के लिए है। सो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ मैं। सो भाई सबसे पहले तो अपनी गाड़ी का डीजल, डीजल अब भाई 2200 किलोमीटर में मतलब 490 लीटर गाड़ी ले रही है, तो अब आप एवरेज भी निकाल लेना कितना क्या है ना। तो अपना 45,000 रुपये का डीजल है, टोल है भाई अपना 14,000 रुपये का अप डाउन का। सो मैं आपको रूट भी बता दूं कौन सा रूट है। इधर जाने से मैं जाता हूँ अपने उज्जैन, हो गए उज्जैन इंदौर, इधर से दिल्ली से कोटा, कोटा से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर, फिर ऐसे जाता हूँ बड़वानी, और आने में आता हूँ मैं भाई नीमच, नीमच से रतनगढ़। आपने ब्लॉग में भी देखा होगा कि किधर से आता हूँ। तो इस तरीके से 14,000 रुपये का अप डाउन का अपना टोल लगता है, उससे अलावा लगता है भाई बॉर्डर खर्चा, जाने में उज्जैन से पहले ही बॉर्डर पड़ता है, उस गांव का क्या नाम है, वहां पे अपना लगता है 400 रुपये एंट्री और 150 रुपये, 200 रुपये कांटे वगैरह का, मतलब 600 रुपये इधर से, और आने में 500 रुपये आरटीओ की फिक्स एंट्री है जो मिलता है हमें रतनगढ़ से पहले ही, तो 500 रुपये लेता है वो परमानेंट वहाँ पर। तो 1100 रुपये बॉर्डर खर्चा है। राजस्थान में किसी चक्कर में लग जाता है, किसी में नहीं लगता, जैसे इस चक्कर में, मैं इस चक्कर की बात कर रहा हूँ। सो इस चक्कर में अपना लगा था 300 रुपया जो मिला था कोटा, है ना। तो वो आरटीओ का राजस्थान में कभी लगता है कभी नहीं लगता है, और भाई ऐसा नहीं है, कई कई बार जैसे नासिक चला था मैं, तो उसमें चालान भी हुए थे मेरे हाइट के, तो अभी तक तो ऐसा कुछ कोई सीन हुआ नहीं है, ये मेरा छठा चक्कर था यहाँ पे। और उसके अलावा भाई दिल्ली जो एमसीडी टोल की पर्ची लगती है वो है 500 रुपए की, और गाड़ी में यूरिया आता है 2200 किलोमीटर में 490 लीटर में 1700 रुपए का, अपनी गाड़ी में यूरिया आ जाता है 1720-30 या 1670-80, मतलब 10-20 रुपए ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना, 1700 रुपए। और उसके अलावा भाई डाला खर्चा, अपना डाला खर्चा है भाई 2000 यहाँ का, 2500 रुपये वहाँ का लोडिंग का, और 2000 रुपये यहाँ अनलोडिंग का, उसके अलावा 2000 रुपये कैरेट लोडिंग का, सो टोटल है 6500 रुपये। अब आप काफ़ी भाई बोलोगे यार खाली कैरेट का डाला इतना महंगा, सो भाई वो सब गाड़ियों पे लगता है, कहीं पे भी जाओगे तो खाली का कैरेट का डाला भी लगेगा, लोड का भी लगेगा, उधर से टमाटर लोडिंग करेंगे उसका भी लगेगा। सो 6500 रुपये हर कहीं लग रहा है। तो मेरा ये है ना कि मैं डायरेक्ट पार्टी से गाड़ी लगाई हुई है अपनी, जो यहाँ पे व्यापारी हैं उनसे डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट है, तो उनके द्वारा ही अपनी गाड़ी लगी हुई है। तो अपने मतलब कहने का मतलब ये है कि अपना जो ट्रांसपोर्ट का कमीशन है ना, वो अपना पर चक्कर बच रहा है, नहीं तो भाई ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहीं पर लगाएंगे तो उसमें 1500 रुपये पर चक्कर का ट्रांसपोर्टर कमीशन लेगा ही लेगा। उसके अलावा भाई 4 दिन का अप डाउन का चक्कर है, जैसे अभी इसी चक्कर एक दिन मेरी गाड़ी लेट खाली हुई है यहाँ पे दिल्ली में, जो भी टमाटर हाई मतलब 1000 रुपए की कैरेट बिक्री है फिलहाल में,
है ना, तो उसकी वजह से एक दिन थोड़ा लेट खाली हुआ है अपना गाड़ी। तो चक्कर का मतलब 2000 रुपया मान के चलो, खर्चा खाना पीना जो भी है ना, पर्सनल खर्चा 2000 रुपये के समथिंग है। सो भाई टोटल खर्चा अपना भाई 71,300 रुपये। इसमें से भाई 100, 200, 500 ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे डीजल अब की बार थोड़ा कम खाएगी है ना, वहाँ पे जैसे भरने पे है, वहाँ पे जैसे 10 किलोमीटर में गाड़ी भर रही है या 20 किलोमीटर में भर रही है, 30 में 50 में, वहाँ पे जितना गाड़ी घूमेगी ना उस हिसाब से 10-5 लीटर का ऊपर नीचे चलता रहता है, 1000-1500 रुपये का डीजल का फर्क आएगा हर चक्कर में। तो ये टोटल खर्चा है अपना 71,300। सो अपना भाड़ा बनता है भाई, भाड़े का सीन ऐसा है ना कि 650 कैरेट का भाड़ा है अपना 127 रुपये कैरेट का, और 650 से ऊपर जितना लेके आएंगे मतलब 700 लिया अपन ने तो 50 कैरेट का हो गया 100 रुपये के हिसाब से। तो अब की बार मेरा भाड़ा था कैरेट थी वो थी 710, तो उसमें मेरा भाड़ा बन रहा था 88,500। तो 650 कैरेट का 127 के हिसाब से ऊपर जितनी कैरेट आएंगे 700, 710, 720, 730 जितना भी लेना चाहो आप, तो उसका भाई भाड़ा 100 रुपये के हिसाब से है। तो कुल मिला के ये मान के चलो कि 90,000 के समथिंग अपनी रिपोर्ट हो जाती है, 89,000, 88,000 इस तरीके से, मतलब 87,000-88,000 के समथिंग अपनी रिपोर्ट हो जाती है। तो उसमें भाई अपने को बचत बता रहा हूँ मैं, 17,250 रुपये की अपनी बचत है। अब उसमें से जैसे डीजल इस बार थोड़ा 1000 रुपये का कम खाएगी तो 18,000 के समथिंग, लेकिन एवरेज अगर मान के चलो ना पर चक्कर का, जैसे कई बार कैरेट 690 भी लेके आया हूँ मैं, 690 से कम तो अभी तक नहीं लेके आया मैं, क्योंकि कई बार नहीं कर पाते हैं, नहीं होता है खेत में माल, तो उसकी वजह से कम भी लेके आनी पड़ती है। तो पर चक्कर का एवरेज मान के चलो तो 17,000 रुपये के समथिंग। सो भाई ये थी अपनी बचत भाई पर चक्कर की, मतलब अभी ये मेरा 6 चक्कर मैंने लगा दिए अभी एक महीने में, जैसे मान के चलो आज एक दिन लेट खाली हुई, नहीं तो मैं अब तक वापस बड़वानी में होता। तो मतलब महीने के 6-7 चक्कर आराम से लग जाएंगे यहाँ पे ना। तो पर चक्कर का अपना 7,000 के समथिंग, सॉरी 17-16,000 के समथिंग पर चक्कर का एवरेज है। किसी चक्कर में ज़्यादा भी होता है, किसी में कम, इससे कम नहीं होगा, मतलब ज़्यादा हो सकता है कम नहीं होगा, मतलब 16,000 से कम बचत नहीं होगी। और भाई ये 4 दिन की बचत है, 4 दिन का बता रहा हूँ आपको एवरेज है ना। तो 4 दिन में भाई पर डे का मतलब 4,000 रुपया पर डे का गाड़ी के पास में आ रहा है। तो भाई इतना तो चाहिए ना गाड़ी को, 4,000 के समथिंग तो गाड़ी को परमानेंटली चाहिए। तो मान के चलो कि महीने का 1,00,000 रुपये का काम तो गाड़ी के पास होना ही चाहिए। तो इसमें भाई अब काफ़ी भाई बोलेंगे यार भाई कम है ना, और ज़्यादा बचना चाहिए। तो भाई मैं आपको बता दूं, अब ये टमाटर का सीज़न है ना, ये मार्च या अप्रैल तक तो है ही है, मार्च अप्रैल तक, तो उसके आगे भी अगर बारिश वारिश ना हुई तो ये मतलब चलता रहेगा। और भाई परमानेंट अगर गाड़ी रेगुलरली गाड़ी 1,00,000 रुपये का पर महीने का काम करे ना, तो मैं नहीं समझता कि भाई उससे अच्छा कहीं पे काम होगा। मतलब एक तो मेन बात तो काम, वो भी रेगुलर, तो भाई बेशक 10-20 हज़ार कम बच रहे हो, लेकिन रेगुलर काम में जो अपने को फायदा है ना, वो शायद आप लोगों, अब आपकी समझ अलग है, आपकी सोच अलग है, मेरी अलग है। सो मेरे हिसाब से ना भाई रेगुलर काम कुछ भी हो तो वो बेस्ट है, मतलब कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं है कि आज भर रही है नहीं भर रही है, खाली नहीं हो रही है, फलाना ढिकना सत्ता टेंशन है। तो भाई यहाँ पे दिमाग बिल्कुल शांत और नो टेंशन वाला रहता है, क्योंकि यहाँ पे खाली करी यहीं पे कैरेट लोड करनी है, वहाँ जाएंगे वहाँ से लोड करके वापस रिटर्न, 4 दिन में अप डाउन गाड़ी कर रही है, 2200 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। अब काफ़ी भाई बोलेंगे भाई 2200 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो उसमें क्या है, तो भाई 2200 किलोमीटर में ना,
तो दोस्तों अब 2200 किलोमीटर गाड़ी चलेगी अपनी, तो 2200 किलोमीटर में भाई 1100 किलोमीटर गाड़ी अपना 2 टन वजन लेके जा रही है। और वैसे बाहर से मार्केट से चलेंगे तो 2200 किलोमीटर में भाई ज़्यादा से ज़्यादा खींच के मानोगे तो 5 से 7 हज़ार रुपये ज़्यादा बचा लेंगे, लेकिन उसमें भाई दिन कितने ख़राब होंगे है ना, वो सीन है। और भाई 1100 किलोमीटर खाली मतलब टायरों की कितनी बचत होती है ना, वो आप खुद ड्राइवर लोग काफ़ी समझने वाले हैं। तो ये चीज़ कमेंट करके बताना कि भाई इसमें यहाँ चलने में अपना फ़ायदा है। महीने का मतलब गाड़ी 1 लाख रुपये का काम तो कर ही देगी, ये तो फुल प्रूफ गारंटी है ना। अगर कहीं पे बारिश वारिश हो गई या गाड़ी खाली नहीं हो रही, वो एक अलग सीन है, नहीं तो पर मंथ का 1 लाख रुपए का काम तो गाड़ी आराम से कर ही देगी। सो ये राय अपनी कमेंट में ज़रूर बताना कि जो मेरा खर्चा है, जो मेरी बचत है, वो सही है या नहीं है, है ना। जो भी आपका मतलब विचार हो, जो आप और कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहो तो कमेंट कर देना, मैं भाई रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, सबके रिप्लाई देता हूँ मैं। तो अपनी राय ज़रूर कमेंट करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। सो ये थी अपनी भाई एक चक्कर की, एक मतलब दिल्ली से और बड़वानी तक की जो बचत हो अपनी गाड़ी के पास में, वो थी, वो था सारा खर्चा। सो ये था भाई पूरा टोटल। तो वीडियो का करते हैं गाइस दी एंड, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तो भाई मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, सोचा था कि मैं आपके साथ में ये चीज़ शेयर करूँगा, क्योंकि एक दो भाइयों ने मेरे से पूछा था कि भाई खर्चे वाला बताओ कितना क्या बचत आ रही है, कितनी क्या रेट लेके आ रहे हो, है ना, तब कुछ करके। सो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखे और दबा के सपोर्ट करे गाइस, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, वीडियो देख के मत जाया करो। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।